मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के अपम। इन्हें बनाना बहुत ही ईजी है और ये खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, आधा कप दही, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधी गाजर बारीक कटी हुई, 1 छोटी कटोरी मटर, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच इनो या बेकिंग सोडा और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप सूजी, आधा कप दही, 1/2 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। अभी इस घोल को बनाने में हमने 1/2 कप पानी का यूज कर लिया है और ये बैटर इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हम ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। 1/2 घंटे बाद ये बैटर थोड़ा फूल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें 1/2 चम्मच इनो डालकर बैटर को हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज, कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, मटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये बैटर हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम गैस को ऑन करके चमचे में 1 चम्मच तेल डालकर तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच राई डालकर अच्छे से तड़का देंगे और इसे हम बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करके अपम के ये पैन को हम गैस पे रख देंगे और फिर पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और इस तरीके से तेल को हम फैलाकर चिकना कर देंगे। फिर हम 1 चम्मच के करीब बैटर लेकर सारे सांचों में डाल देंगे। और ढककर 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर इन्हें हम पकने देंगे। 7 से 8 मिनट बाद हम खोलकर देखेंगे और कांटे या चाकू की हेल्प से इन्हें हम पलट लेंगे।
और ढककर इन्हें हम दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम खोलकर देखेंगे। अब ये अपम नीचे से भी अच्छे सिक चुके हैं। अब हम इन्हें सावधानी से प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अपम बनकर तैयार हैं। इसे आप सांभर या चटनी के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।